अरुणाचल प्रदेश के बांदरदेवा में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध शिकारियों के पास से बड़ी संख्या में मृत जंगली जानवरों के शव बरामद किए हैं। इनमें दो हिरण, जंगली सुअर का मांस, गिलहरी, फार्म की वेट और 3 प्रजातियों के पक्षियों के साथ कुल 15 जानवर शामिल है। इस बारे में बांदरदेवा वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी HP आबू ने बताया कि एक बस के जरिए पूर्वी कामेंग और पाके केसांग जिले से अधिकांश जंगली जानवरों को लाया गया था और पक्षियों को दोईमुख के होज गांव से लाया गया था। वन विभाग ने जंगली जानवर के मांस को फॉरेंसिक में जांच के लिए भेज दिया है।